गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के कैलेंडर के टॉपिक के बारे में, ठीक है। रीजनिंग के कैलेंडर के टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग के कैलेंडर के टॉपिक के बारे में, ठीक है ना। ठीक है, और अगर हम बात कर लें रीजनिंग के बारे में, तो ये जो कैलेंडर का जो आज का टॉपिक है, ठीक है, कैलेंडर है आज का टॉपिक, ठीक है ना। और कैलेंडर में आपको क्या करना है, ठीक है, इसके क्वेश्चंस आपको कैसे आते हैं, कैसे लगाया जाता है, ये मैं आपको आज आपको बताऊंगा, ठीक है। और क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे सभी एग्ज़ामों के लिए, ठीक है। और बता दूं कि जो कैलेंडर होता है, ठीक है, कैलेंडर होता है, ठीक है ना, इससे लगभग दो क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन जो है वह पूछे जाते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन? दो से तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और बात कर लें कि कौन से टॉपिक की क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहला तो पूछा जाता है कि डेट वाइज, ठीक है, डेट निकालने को पूछता है, ठीक है, कैलेंडर से। दूसरा पूछता है कि ऑड डे कितने, मतलब ऑड डे पूछ देगा, ठीक है। और तीसरा टॉपिक है, पूछेगा कि अगर कोई डेट दी हुई है, ठीक है, किसी डेट को अगर मान लीजिए मंडे है, ठीक है, और आपको किसी और डेट को पूछ दिया, मतलब किसी और डेट को, डे को आपको पूछ दिया कि उस दिन क्या होगा, ठीक है ना। तो ये जो तीनों टॉपिक है, ठीक है, इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चंस को पूछा जाता है, ठीक है ना। तो बात कर लें कि इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है ना, कि कैसे कैसे आप इसको समझ सकते हो, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम शुरुआत करते हैं कैलेंडर के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है ना। तो अगर हम बात कर लें सिंपल, पहले आपको जानना होगा कि ईयर होता है, ठीक है, ईयर मतलब एक ईयर में कितना सात, मतलब एक ईयर मतलब कितना होता है, 12 महीने, ठीक है ना। 12 महीने मतलब 365 दिन, ठीक है, या 366 दिन भी होता है, ठीक है ना, क्योंकि फरवरी 28 की भी होती है और 29 की भी होती है, ठीक है ना। उसके बाद हो गया वीक के बारे में बात होती है, तो वीक मतलब होता है, अगर बात कर लें तो एक सप्ताह होता है, ठीक है ना, एक सप्ताह, और एक सप्ताह को हम 7 दिन कहते हैं, ठीक है ना। ये तो केवल एक बेसिक नॉलेज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वीक के बारे में, ईयर के बारे में, और डेज के बारे में तो सब जानते हैं, ठीक है ना। तो ये जो वीक के बारे में हो गया, सप्ताह के बारे में हो गया, महीने के बारे में हो गया, ये सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं साल के बारे में, ठीक है। साल जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो साल का भी कोई प्रकार होते हैं, ठीक है, मतलब ये तीन प्रकार के ही होते हैं, ठीक है। ईयर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ईयर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, साल के बारे में, ठीक है। तो साल कितने प्रकार के होते हैं, इसे कैसे समझा जा सकता है, ठीक है, किस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। पहले तो आज आपको एक तरीके से मान लिया तो थ्योरी रहेगी कैलेंडर की, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको आज थ्योरी अच्छे तरीके से जब समझ में आ जाएगी, तो जो अगला पॉइंट है आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम साल के बारे में बात करते हैं, साल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इसको समझा जाए, ठीक है। तो चलिए टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम बात कर रहे थे साल के बारे में, ठीक है ना, किसके बारे में, साल के बारे में, ठीक है ना। अब ईयर्स को आपको कैसे जो है निकालना होगा, ठीक है ना, ईयर्स को, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा वीडियो ब्लर हो जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे साल के बारे में बात हो रही है, ठीक, ठीक है। अब साल के बारे में बात कर लें, तो साल जो होता है एक होता है, और पहला बात कर लें तो पहला होता है लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर, ठीक है, ठीक है ना। और दूसरा होता है कैसा, ऑर्डिनरी, ठीक है, ऑर्डिनरी, ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, सेंचुरी ईयर, ठीक है, सेंचुरी
ईयर। ठीक है, अगर बात कर लें हिंदी में इन्हें क्या बोला जाता है, तो लीप ईयर को बोलते हैं अर्धवार्षिक। ठीक, अर्धवार्षिक, इसको बोलते हैं सामान्य। ठीक है, सामान्य वर्ष, और इसको बोलते हैं शताब्दी, शताब्दी। ठीक है, तो आपके सामने ये तीनों ईयर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, कैसे इसको क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं, ऑर्डिनरी ईयर और सेंचुरी ईयर। ठीक है, अब हम बात कर लें लीप ईयर के बारे में। ठीक है, लीप ईयर को कैसे समझा जाएगा, ठीक है, लीप ईयर में क्या आता है, कैसे समझना है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। लीप ईयर के बारे में बात कर लें, ठीक है, तो लीप ईयर जो होता है, ठीक है, तो इसकी बेसिक मैं आपको एक डिफिनेशन दूंगा कि जो साल, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, जो साल, ठीक है, 4 से, जो साल 4 से क्या हो जाए, कट जाए, ठीक है, तो उसको आप क्या कहोगे, लीप ईयर कहोगे। ठीक है, 4 से विभाजित हो जाए, ठीक है ना, विभाजित हो जाए उसे लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि क्या लीप ईयर में आप समझिए, ठीक है, लीप ईयर में अगर हम बात कर लें कि जैसे कि 2016, ठीक है, 4 से आप डिवाइड करोगे तो 4 5 20, ठीक है, एक उतारोगे 0 बढ़ाओगे, ठीक है, 6 उतारोगे तो ये हो जाएगा 4 4 16, मतलब ये जो ईयर है एक लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर है, ठीक है, और इसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, तो लीप ईयर के बारे में तो आपको जान लिए कि ऐसे साल जो 4 से डिवाइड हो जाए उसे आप लीप ईयर कहोगे। ठीक है, इसके यूजेस जो हैं, इसके जो प्रयोग हैं, इसका जो प्रयोग है, ये देखिए मैंने आपको बताया कैसे कैसे डिवाइड हुआ है, 4 4 को 4 5 20, ठीक है, एक उतारे उसके बाद 0 बढ़ाए फिर 4 बार में गया 16 कट गया। ठीक है, अब ये इसके जो प्रयोग हैं, इसके यूजेस हैं, आगे पता चलेंगे आपको। अब हम बात करेंगे, ये तो फर्स्ट हो गया, अब सेकेंड ईयर के बारे में बात कर लें, तो ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, सामान्य साल। ठीक, अगर सामान्य साल के बारे में बात कर लें, तो सामान्य साल के बारे में बात कर लूँ, तो जो सामान्य साल होता है, ठीक है, तो ऐसे साल, ठीक है, ऐसे साल जो 4 से विभाजित ना हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, सामान्य साल कहते हैं। ठीक है, अब इसको आप बाई एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल आपके सामने मैं दे रहने वाला हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल आपका ये है कि 2017, ठीक है, 2017 को आप 4 से डिवाइड करो, देखिए होता है 4 5 20, ठीक है, ये तो कट गया, एक उतारे 0 बढ़ाए 7 उतारे 4 4 को 16, ठीक है, कटा नहीं कटाना, एक आ गया ना शेष, ठीक है, ये आ गया रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर ये जो एक रिमाइंडर आया है, पता ये क्या हो गया, एक सामान्य, ठीक है, सामान्य साल हो गया। ठीक है, सामान्य साल को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है ना, क्या हो गया, सामान्य साल। और एक ईयर और है, इसको मैं फिर आपको बता देता हूँ, सेंचुरी ईयर। तीसरा आपका जो साल है, ठीक है, वो है शताब्दी, शताब्दी साल। ठीक, अब शताब्दी साल के बारे में बात करें, शताब्दी साल क्या होता है, तो ऐसे साल, ठीक है, ऐसे साल जिनके पीछे 00 आए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम शताब्दी साल कहते हैं। ठीक है, क्या है, ऐसे साल जिनके पीछे 00 आए, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, शताब्दी साल। ठीक है, जैसे कि अगर 100 वर्ष हो जाता है तो एक सेंचुरी हो जाती है, ठीक है, तो सेंचुरी मतलब शताब्दी हो जाती है, ठीक है ना, चलिए शताब्दी हो जाती है। ठीक,
अब आगे इसको कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए एक एक इसका भी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एग्जांपल ठीक है, कि अगर और इसके बारे में इसको कैसे डिवाइड करते हैं ये तो आपने जाना नहीं, इसको भी मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो साल है ठीक है, ये जो साल है यह 400 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। इस साल में भी सेंचुरी ईयर में भी दो ईयर होते हैं, ठीक है एक लीप सेंचुरी ईयर होता है और एक ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बात कर लूँ कि यहाँ पर मैं बात करूँगा लीप सेंचुरी की, ठीक है लीप शताब्दी, लीप सेंचुरी, ठीक है लीप सेंचुरी ईयर के बारे में, ठीक है। अब लीप सेंचुरी ईयर जैसे क्या क्या होगा कि जो 400 से डिवाइड हो, ठीक है सिंपल वही फंडा है जो मैंने आपको आगे बताया था लीप ईयर के बारे में, 400 से अगर डिवाइड हो जाता है, ठीक है जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर आप 2400 लेते हो ठीक है, तो ये 6 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा है एक तरीके से, क्या है यह लीप सेंचुरी ईयर है, ठीक है ना लीप सेंचुरी ईयर है। तो आई थिंक आपको ये जो तीनों साल हैं अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे कैलेंडर के, ठीक है ना। और आपको एक ऑर्डिनरी जो ऑर्डिनरी ईयर होता है, ठीक है ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर होता है उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ, ठीक है उसके एग्जांपल के एग्जांपल के सहित। चलिए बात करते हैं ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर के बारे में। तो यहाँ पर हमने बात की थी सामान्य, ठीक है सामान्य एक सेकेंड, सामान्य शताब्दी शताब्दी ईयर, ठीक है शताब्दी ईयर, ठीक है ना सामान्य शताब्दी ईयर, ठीक है। तो सामान्य शताब्दी ईयर कैसे कहते हैं, जैसे कि सिंपल है कि यह जो संख्या है वो 400 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात कर लो तो 400 से आपको अगर 2700 को डिवाइड करना होगा तो क्या होगा, नहीं होगा। अगर 6 बार में होगा तो 2400 हो जाएगा, ठीक है उसके बाद कितना बच गया, 300 बच जाता है, ठीक है। अब ये 300 400 से डिवाइड तो होगा नहीं, ठीक है इसलिए क्या हो जाएगा सामान्य सेंचुरी ईयर, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आज से कैलेंडर की क्लास। और कल हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद, थैंक यू सो मच।